अच्छा जी, यहाँ पर हो गया एक दंगा फसाद भाई, ये तो काम उल्टा हो गया। ऐसा है कि जी ये वाला जो बेड था ये मैंने किया था अम्मा के लिए, अब इस लड़की का कहना है कि मुझे ये पसंद आ गया और अम्मा को भी ये पसंद है। इंग्लिश का टीचर के साथ पढ़ रही है, क्या पुत्र अंग्रेजी च पढ़। आप लोगों को ना मैं एक बेड दिखाता हूँ, वो बेड कम है और एक बिजनेस क्लास की जो सीट होती है ना वो ज्यादा है। मुझे चाय का क्या है कि चाय अभी तक नहीं आई, बाकी सारे जहान के लवाजमात जो है ना वो भाई ने यहाँ पर लगा दिए। भाई पहले बता रहा हूँ, दे आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है लेकिन उनकी चीज की गारंटी है, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे होते हैं। ये हमारी सोफा है, ठीक है, ओके परफेक्ट। कलर चेंज करवाना है इसका या ब्लैक गोल्डन? ठीक है, ओके बाय, डन। लाओ जान, लाओ लाओ लाओ, थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय, आ जा भाई, चल जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। जुमा पढ़ लिया आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा पढ़ के आया हूँ और ऐन नक्के पे खड़ा हुआ जुमा पढ़ के आया हूँ। मैं अंदर गया हूँ मस्जिद के, मौलवी साहब ने ऐसे देखा मुझे, मौल साहब सॉरी मामा जी मेरी क्या गलती है, अब वो फैमिली उठ के जाती तो मैं जुमा पढ़ने जाता ना, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मिस नहीं हुआ, जुमा पढ़ लिया। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी जुमे की फजीलत बताऊं? हाँ जी जरूर जरूर जरूर, ये जुमा का दिन है ना बेटे, सरदार दिन है पूरे हफ्ते का, ठीक है, मतलब 7 days का किंग है, क्या बात, माशाल्लाह। और इस दिन की मांगी हर दुआ अगर खलूस से मांगी जाए, बेशक गुसल करके खुशबू लगा के जुमा पढ़ के दुआ मांगते हो ना खुदा के साथ, कोई दुआ रद्द नहीं जाती, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दिन सदका खैरात करना बहुत सवाब, 4 गुना 10 गुना सवाब मिलता है, माशाल्लाह। इसलिए सो गरीबों की ईद कहा गया, माशाल्लाह। और एक छोटी सी रजब अली बड़ी प्यारी, इसलिए कहते हैं कि जुमा वाले दिन फकीर कोई नजर आया उसे फातिमा भेजो, हां लाजमी दो। और एक मेरा ना दिल कहता है कि छोटी सी मेरे पास में दुआ हर जुमे को पढ़ती हूँ, मैं दिल कहता है मैं अपनी नस्लों में वो चीज छोड़ जाऊँ ताकि तुम लोग उसके गाफल ना हो। वो मेरी छोटी सी देखो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मिन अव्वल दुनिया इला फनाया मिनल आखिरत इला बकाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमत अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़न्बिन वतूबु अलैहि या अरहमुर राहिमीन। शुरू करता हूँ, अल्लाह की हम दुनिया की इब्तदा से लेकर उसकी फना होने तक और आखिर से लेकर उसके बाकी रहने तक अल्लाह का शुक्र इसकी हर नेमत पर। मैं हर गुनाह के लिए अल्लाह से मगफरत का तलबगार हूँ और इसकी बारगाह में तोबा करता हूँ, सबसे ज्यादा रहम करने वाले। माशाल्लाह कैसी कमाल सूरत है, और मैंने ये कभी जुमे को जब नहीं छोड़ी है, मेरा दिल कहता है कि मेरी 7 नस्लों में भी ये चीजें जाए, माशाल्लाह वो तेरे थ्रू ही जानी है, ठीक है। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक मेरे सारे बच्चों को इस लायक करे कि वो जुमा ना कभी छोड़े। अच्छा मैंने सुना है कि आज हमने जुमा पढ़ा ना तो नेक्स्ट जुमे तक जो है ना वो हम हिसार में रहते हैं, आप अल्लाह का बड़ा, क्या डिटेल है इसकी? ये बता तो है कि लामा मजसी फरमाते हैं कि अगर आप पढ़ते हो जुमा खलूस से गुसल करके पाकीज़ा होके अगले जुमे तक वो हिसार जब आप शुरू करते हो वहाँ से लेके तब तक आप उसके हिसार में रहते हो। नहीं अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो गई है, मैंने ये जुमा पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट जुमा मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा वो जो हिसार है या फिर वो कह रहे जो मुझे प्रोटेक्शन एक अल्लाह की तरफ से मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी अगर मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं जुमा पढ़ पाता। मैं सही गल पूछ रहा, सही गल। अच्छा जी नवा सूट पाया ना, दंग दंग जा रहे अज, कॉम्बिनेशन चेक करो, ऑरेंज दे ऊपर चारकोल, वाह। क्या बात है जी, पूरा पूरा तुसी ऑरेंज स्वाब लेता, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त है। मैं सही गल पूछ रहा हूँ, कोई सो इमरजेंसी होती है अगर इंसान जुमा नहीं पढ़ पाता तो क्या बात है कि वो जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। मैं अपने पाक परवरदिगार की रहमत के बारे में तुझे बताती, जब इंसान इरादा करता मैंने ये नेकी करनी है, अभी उसने की नहीं होती, मेरा पाक परवरदिगार नेकी लिखना शुरू कर देता है। क्या बात, और जब गुनाह कर लेते हो फिर गुनाह काउंट होता है, जब आप गुनाह का सोचते हो तब काउंट नहीं होता, जब आप सोच लेते हो तभी वो नेकी लिखी जाती है आपकी। वही कहती तो कैसे हो सकता है तुमने किसी मजबूरी के साथ छोड़ा, अल्लाह पाक तुम्हें हिसाब में रखे, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर द सच लवली इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। हाँ
हाँ जी भट्ट साहब, क्या सीन है? सीन वही बेटे, मैंने और ईमान ने जाना है आपके साथ, हमने अपना फर्नीचर खुद देख के सिलेक्ट करना, फिर आप उसको ले लें। मैं अच्छा खासा फर्नीचर सेट करके आ गया हूँ, सिर्फ मैंने एडवांस सेंड करना है, आप लोगों ने क्या जाके करना है? मेरी आपको पसंद के ऊपर यकीन नहीं है? नहीं बेटे, यकीन है, मेरा दिल ये करता है मेरी ईमान अपने हिसाब से अपनी पसंद की चीज ले जाए। यार मामा मेरी तबीयत ना ऐसे, सर में दर्द, फिर ये पीछे दर्द, आई बॉल्स में दर्द हो रहा है मेरा। मैं अभी नादिल पढ़ के दम करती हूँ, आप ठीक हो? चलो जी। और मेरी बच्ची रेडी बैठी है, उसने जाना, मैं चाह रही हूँ अपना फर्नीचर अपने हिसाब से वो खरीदे। मामा फिर कितने दिन चले जाएंगे यार? अगला फर्नीचर लेंगे तो तब चले जाएंगे। अच्छा मैं ना ईमान को फोन कर लेता हूँ, अगर वो कहेगी ना कि मैं रेडी हूँ, हाँ जाना है, शायद रात गई बात गई वाला सीन हो गया हो, वो भी भूल गई हो, अगर वो रेडी हुई फिर हम चले जाएंगे, अगर ना रेडी हुई ना तो मैं स्कूल से सो जाऊंगा आज, ठीक है? ये भी कर लो। ओके अच्छा, ये जितना आपने श्योरिटी से कहा है ना, ये भी कर लो आप, मनु लगा था मिली भगत हो ही है, मिली भगत हो ही है, वो भी रेडी बैठी है ना, ऐसी है ना, मैं डाउट पहले पै गया। मैं चाह रही मैं जो बनाऊं अपनी बेटी की पसंद का बनाऊं, मुझे पहले लग रहा था। लो जी फोन जा रहा है और वो उठा नहीं रही, इसका मतलब है कि वो सो रही है। सो रही है जी, नहीं उठा रही, सो रही है, सो रही है। मैं तो कह रहा हूं बेल दी, अभी उठ जाएगी, चौथी बेल हो गई है। तीन साढ़े तीन बजे कहा, देखो ना पौने तीन हो गए, नहीं उठा रही, और लग रहा है चुक रही। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। यार वो रात को हमारा प्लान बना था ना फर्नीचर लेने का, फर्नीचर डिसाइड करने का, तो मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर रहे हो, हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, खैर है ये नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। मेरी बेटी है। क्या कह रही हो? सॉरी क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ आई एम परफेक्टली फाइन, और जो हमारा प्रॉमिस हुआ था हम जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आधा घंटा रहेगा 3:30 होने में, तुम्हें तैयार होने में भी टाइम लगेगा, फिर किसी दिन चले जाएंगे। मैं बिल्कुल रेडी, चलो विल बी देयर इन 35 to 40 minutes, बी रेडी, ठीक है? ठीक है, आई विल बी रेडी, बाय बाय बाय। उठो आप जल्दी करो, नमाज पढ़ लो, निकले फिर। ओके चलते हैं जी, इनकी पसंद का फर्नीचर ले रहे तो वही बेहतर है, वो ही ना हो मैं लेके आई हूँ, तेरे मेरे पैसे से पानी फेर दे, सामने नहीं आया। अम्मा नमाज पढ़ ले और ईमान रेडी हो ले, फिर निकलते। मिनसा घर छोड़ना, घर छोड़ दो, कहाँ जाना आपने, कहाँ जाओ दे, और नहीं यार मैं तो फर्नीचर देखने जा रहा हूँ, अपने घर जाओ। यार ए नहीं जानी यार, साढ़े घरों अपने घर जान का ना ही नहीं लेंदी, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। ओके जी निकल पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मामा अपने पढ़ना ना मेरे बेटे, पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना। डॉक्टर कैसे बनना फिर अगर पढ़ना नहीं है तो? मैं आपके साथ जाऊंगा, मैंने नहीं पढ़ना, ये बट्टा सा बाल है, वाकई नहीं पढ़ना। चल ट्यूशन जाना, उठ जा। आइए की आले, करवा ली थी पूरी, फिर फर्नीचर 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 क्या है भाई, मेरा हक है, हम दोनों ने मिलकर लेना ना, बड़ी गल है, हक साडा हक ऐसे रख। ए देख करो, अन्नी जिद करके आई हूँ, भाभी 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 साथ जाना, आते ही सो गई है। चलें जी, इधर मेरा शहजादा, उसको तो बुला देना जी। आइए की आले, ठीक ठाक तो ये ठीक है, पढ़ रहा होगा ना, पता नहीं मैंने। चल ठीक है, आता हूँ वापसी पे। आ गया, इधर आ गया, मेरी जान का टोटा कैसा जाने, कौन है को बाल बूल कटा यार, तनु होशा पे। चल वापसी पे चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? इनशाला इनशाला। यार ये बात दोबारा, आपकी मेहरबानी, कैमरा ऑफ था, ये बात दोबारा पूछो जरा, पूछो जरा। मैंने पूछा बेटे आपने दी से किसे पढ़नी शुरू कर ली, बताओ जरा, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, बताओ कैसे कैसे कैसे। मामा जी ये इंग्लिश में हदीसे के साथ का स्वभाव होता है, वही कहती बेटे इंग्लिश में पढ़नी, हदीसे के साथ पढ़ रही हूँ रोमन इंग्लिश, तो ये रोमन इंग्लिश का जो है वो स्वभाव होता है। बेटा उर्दू नहीं पढ़नी आती है, तेरे उर्दू नहीं पढ़ ला तू, इंग्लिश हर चीज के साथ पढ़ रही है। गुड यार, चलो बिस्मिल्लाह। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम पहुंच चुके हैं, अब अल्लाह खैर करे, देखते हैं ये माँ बेटी आ गई है, क्या टीका लगाते हैं। और ये बैक गेट है जो हमारा शोरूम है, हमारा नहीं, जो हमारे हनान भाई का शोरूम है, फर्नीचर शोरूम, अंदर से आपको दिखाते हैं, और सारा ओवरऑल
व्यू करवाते हैं, जो इनको पसंद आएगा ये ले लेंगे, तो मुझे पसंद आया होगा क्या हाला जी ठीक ठाक है, जो मुझे पसंद आया होगा वो भी मैं इनको दिखा दूंगा, हो सकता है जो मुझे पसंद आया हुआ था वही इनको भी पसंद आ जाए। चलें जी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? हनान भाई आपको वैसे कौन नहीं जानता, आपने एजल का रूम तैयार किया, आप माशाल्लाह दी फेमस, तबीयत ठीक है? अच्छा जी मैं आपके पास आया था दो एक दिन पहले, ठीक है, मैंने दो आर्टिकल्स जो है वो पसंद किए थे, लेकिन ये जो दो लेडीज है ना इन्होंने कल की फाइट की हुई है कि नहीं हम जाके पहले देखेंगे फिर फाइनल होगा, तो आपकी नहीं चली घर में? नहीं सर नहीं नहीं, मेरी दुनिया में चल जाती है यहाँ नहीं चलती, घर में किसी की चलती है ना, सही है। मैं आपका दुख समझ गया, तो आपको मैं आज तकलीफ इसलिए देने आया हूँ, हमें इनको एक बार सारा जो है ना वो शोरूम का टूर करवाना पड़ेगा, अगर इनको मेरी पसंद ही पसंद आ गई तो हमारा वो बुक है, अगर ना पसंद आया कुछ इन्होंने चेंज करना हुआ तो ये चेंज करवा लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आज ही एडवांस कर दूंगा। अब आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कितना चाहिए होगा, घर का तो आपने देख लिया, जो उसकी मेजरमेंट्स है वो आपने ले ली है बेडरूम वगैरह की, ठीक है, आपको कितना टाइम चाहिए होगा उसके लिए? तकरीबन 45 डेज। चलो 45 डेज, तब तक इंशाल्लाह हमारा भी काम शाम सारा ईच एंड एवरीथिंग खत्म हो जाएगी ना, हर चीज। ईद के फौरन बाद तक हो जाएगा, अभी महीना पूरा पड़ा है रमजान का, ठीक है, ईद के फौरन बाद तक पॉसिबल है भाई। पता क्या होता है भाई, आप मुझे ना मुझे तो बता, आप थोड़ी सी जो स्पेशलिटी है ना अपनी मिरेकल्स की वो बताएं कि ये पाकिस्तानी वुड है ये टर्किश वुड है ये क्या है, इतना टाइम आप क्यों लेते हैं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्यों है? चलिए अभी आपको दिखाते हैं, हाँ, ठीक है, आपको सारा दिखा देते हैं, और टाइम जो है वो इसलिए लगता है कि आपका ऑर्डर बनना है ना, कोई पड़ी हुई चीज नहीं है कि आप उठा के ले गए, ठीक है, इसलिए टाइम तो लगेगा। चले निकले भाई, चले आज। हनान भाई ने अपना शोरूम जो है ना माशाल्लाह फुल ही जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। अच्छा यार ये मुझे सोफा इस कदर पसंद आया, उस दिन मैं जुल्कनैन और कमल के साथ आया था ईमान, ये सोफा मुझे इस कदर पसंद आया ना, इस कदर पसंद आया, लेकिन मेरा घर छोटा है, ठीक है, मेरी छत टपकती है, ठीक है, मेरा घर छोटा है उसमें ये पूरा नहीं आना, अदरवाइज ये मैंने भाई आपको याद है मैंने ऑलमोस्ट ये आपसे ले लिया था परसों, बिल्कुल हो गया था फाइनल, लेकिन आपके पास में हाँ जी स्पेस इशू आ गया था तो मैं ये नहीं ले सका। नहीं मम्मा, हाँ लिविंग के अंदर जी एल शेप, हमारी लिविंग में एल शेप जो है वो सूट करेगा, सेंटर टेबल प्यारी है, लेकिन जो मैंने अभी डन किया ना आपके लिए वो भी बुरी नहीं है, पहले वो देख तो लो, आ जाओ। अम्मा ये वाला बेड ले देना आपको मैंने, ठीक है ना, आपको और पापा को, ये घूमता भी है भाई, ये घूमता है ना, है ना, कह रहे हैं आंटी के लिए घुमा देंगे, ये बेड आपको लेके देता हूँ, आपको फील आएगी कि आप बुर्जुल अरब में आपने कमरा लिया होगा। हाँ मेरा सुल्तान वाला जबरदस्त भाई, बहुत प्यारा भाई अभी। अच्छा भाई अभी मैं आपको वो सेट दिखाने लगा हूँ, पूरा का पूरा बेडरूम का सेट जो मैंने अपने रूम के लिए ईमान की रूम के लिए देखा है पसंद किया है, अब इन लोगों को पसंद आता है वो या नहीं। ये देखो जी ये ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, जबरदस्त किस्म का, ये आगे सेट ही आ गई और ये आ गया बेड, ठीक है, ये इसकी साइड टेबल्स आ गई, ये बेड चेक करो। हाँ भाई ये मैंने जो बेड है ना ये अपने लिए सेट किया था, अपने और तुम्हारे बेडरूम के लिए, अच्छा नहीं है ये? बहुत अच्छा है। तो फिर की करना आए हो थे? ये अच्छा है, देखने आई हूं, हद हो गई है। अच्छा ये दो कॉफी चेयर्स भी हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी चेंज है, हमारी चेंज होंगी, हमारे बेडरूम में जो है ना वो साइड पे आपके जो हैंडल्स होते हैं ना स्पोर्टर्स वो होंगे, और सेंटर टेबल भी चेंज है, ये मैंने फाइनल किया हुआ था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग है ना वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई जो है ना ये आती है, ठीक है, ये शोरूम भी आपकी है, जैसे दिल करे वैसे कर लो, आपको ये गोल्डन शोल्डन पसंद नहीं ना होते ज्यादातर, ठीक है ना, तो जैसे आपको पसंद है ना उस तरह की कलर ग्रेडिंग इसी स्टाइल में करवा लो, मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर फिर भी कुछ और देखना तो ऊपर 10 बेड और पड़े देख लो आके, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं पैसे देने ने इधर भी तो उधर भी मैंने कोई टेंशन नहीं की, ठीक है माँ जी, ये प्यारा ना वैसे, अच्छा ना, मुझे ये पसंद आया था लेकिन मुझे पता था कि ये गोल्डन इसको पसंद नहीं आएगा तो ये कलर चेंज करवा लेगी, गुपचुप गुपचुप चल रही है, उसको भी पसंद है, कहते मैं ऐसे ही बहुत प्यारा लगता है। चलो देख लो, आओ ऊपर देखो, अम्मा वाला भी दिखाता हूँ आपको, जो अम्मा के लिए मैंने पसंद किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अब ये जो है ना ये वाला बेड का पीस है, ये मैंने आपके लिए और पापा के लिए सिलेक्ट किया था, मम्मा जी बहुत प्यारा ही करना था, तो मैंने आपको वीडियो तो दिखाई थी, फिर आप लोग आए क्यों? अच्छा जी ये आ गया जी बाबा के बेडरूम का, और ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, ब्लैक और गोल्डन, लेकिन मैं तुम्हें दस दूं ऐ जो कुड़ी है ना ऐ इसको जो है ना ज्यादा चमकते धमकते कलर्स पसंद नहीं है, मुझे ये बेड बहुत पसंद आया, मैंने अम्मा और बाबा के लिए ये वाला बेड किया था सिलेक्ट, अब शुक्र अल्लाह का उनको भी पसंद आ गया। आपने कोई कलर ग्रेडिंग वगैरह चेंज करवानी है? नहीं डन भाई, अम्मा वाला तो ये डन है, कलर बस नहीं होगा, थोड़ा क्वीन साइज आएगा, हाँ हाँ क्वीन साइज आएगा, क्वीन साइज आएगा, और ये आ गया जी इसका ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये इसका टेबल आ गया, और ये जो है ना इसमें हमने चेंजिंग ये करवानी है,
कि ये बिल्कुल लगा हुआ है जमीन के साथ, सफाई नहीं होती यहाँ पर। हम जो है ना वो पाए लगवा लेंगे, वो पेंसिल पाए लगवा लेंगे ताकि नीचे से सफाई इजीली हो सके। ठीक है, ये आ गया टोटल। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, अम्मा और बाबा के बेडरूम का फर्नीचर। वो घड़ी जो है ना वो हनान भाई नहीं दे रहे, मैंने कहा ना कहा घड़ी दे दे भाई, कहते भाई वो टर्की से आई हुई है इसलिए वो मुश्किल है, दो तीन ही है, भाई नहीं दे रहे वो घड़ी। बाकी ये सारा एज इट इज आएगा अम्मा और बाबा के बेडरूम का। अच्छा जी, ये सेकंड फ्लोर आ गया, यहाँ पर आपके इर्द गिर्द सारे बेड ही बेड हैं। ठीक है, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, जौन सा आपको पसंद है आप वो ले लें, अदरवाइज जो आप लोगों ने पसंद किया है वो तो है ही है। ये देखें, एक ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, ये चेक करो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह जबरदस्त। फिर ये सामने आ गया, एक वो पीछे आ गया और एक ये सामने आ गया। ईमान तुम्हारे लिए भी सेम ऑफर है, जौन सा पसंद आता कर लो, अगर जो वही पसंद है तो डन है, अगर नहीं तो तुम्हारे सामने लगे हुए होलसेल में, जौन सा लेना ले लो। ठीक है जी, मुझे तो मेरा वाला बहुत पसंद है। आपका क्या ख्याल है भाई? मैं देख रही हूँ, देखो देखो चलो पता चल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है लास्ट फ्लोर और यहाँ पर एक बेड है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, लेकिन उसके अंदर ना पीस एक ही है और वो बुक है, और वो ये बेड है। इसके साथ हमें मिलता है जी वायरलेस चार्जर और ये देखो टीटो पार्टियाँ। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जो मेरा बेड है ना जो मैंने अभी ऑर्डर किया है उसके अंदर भी भाई हमें वायरलेस चार्जर लगा के देंगे, लाइट नहीं होंगी लेकिन वायरलेस चार्जर होगा। हाँ ये चेक करो सामने अम्मा, ये लेना आपने, आपका डन ना। ठीक है, ये सामने ये भी लगा हुआ है। अच्छा इधर आ, इधर आईमान तुझे एक बेड दिखाऊं भाई, वो बिजनेस क्लास वाली जो सीट है वो दिखानी है आप लोगों को ना, मैं एक बेड दिखाता हूँ वो बेड कम है और एक बिजनेस क्लास की जो सीट होती है ना वो ज्यादा है। ठीक है, आप में से काफी लोगों ने भाई के पेज पे इंस्टाग्राम मिरेकल्स के पेज पे ये बेड देखा होगा, ये देखो ये बेड देख रहे हो। अच्छा मम्मा जी, अब जो फीचर्स मुझे पता ना इसके अंदर, ये एक मसाजर चेयर है, ठीक है, बेड के साथ ही इंक्लूड है। उसके बाद भाई इसका फ्रिज कहाँ गया, फ्रिज कहाँ गया, ये फ्रिज वाला नहीं है, अच्छा ये फ्रिज वाला दूसरा, वो दूसरा। अच्छा ये देखें जी, ये सारे इसके अंदर टेंट्रम्स हैं, स्पीकर सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, एलसीडी निकलती है इसमें से, टीवी निकलता है, टीवी निकलता है इसके अंदर से, पूरी पूरी एक ना बिजनेस क्लास है ये, लेना है देख रही है अभी भी देख रही है। अच्छा स्पेस होना चाहिए, ये अपने कमरे में जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे क्या भाई क्या हो जाएगा, नहीं एडजस्ट हो जाएगा साथ आपकी चेयर्स वगैरह और कुछ नहीं। हाँ नहीं, वैसे भी ना मेरा ख्याल है कि कोई आपका कनाल का घर हो ना नहीं प्यारा लगता है, ये जहाँ भी आता ना फिर अकेला ही आता है, तो ये किसी और की जगह नहीं छोड़ता, ये हमारी अनानवे की छोटी बेटी है। अच्छा मैं अगर भाई होता ना छड़ा, मेरी शादी ना हुई होती तो मैं फोर श्योर ये वाला बेड लेता पीछे लगवाता अपना पोर्ट्रेट जबरदस्त किस्म का, लेकिन उनकी करिए जो अल्लाह का हुक्म खैर है। अच्छा ड्रेसिंग टेबल के अलावा मैंने ये दो मिरर्स करवाए हैं, ठीक है, एनु सेल्फी मिरर कहते हैं या की कहते हैं मैंने नहीं पता, ये दो करवाए मैंने, एक अपने बेडरूम के लिए और एक अम्मा के बेडरूम के लिए। आपने सुबह उठते साथ ही पापा के साथ सेल्फी लिया करनी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ से मैं आपको 360 के एंगल पे आपके भाई की पसंद दिखाता हूँ, पूरा का पूरा फर्नीचर यहाँ से आपको एग्जैक्ट नजर आएगा, ये चेक करो, देख रहे हो क्लासी है कि नहीं है, क्या बुराई है मेरी पसंद में। इन लोगों को मेरे पे यकीन नहीं था इसलिए ये माँ बेटी आई है, इन्होंने मेरी सारी जो दिहाड़ी है ना आज की खोटी की है। चेक करो कैसा खूबसूरत है, और ये जो चेयर्स हैं ये चेंज होंगी, ये वाली नहीं है, थोड़ी सी गोल्डन थोड़ी सी सिल्वर, बहुत प्यारी चेयर्स हैं जिस पे बैठ के मैं हल्की फुल्की एडिटिंग वगैरह कर लिया करूंगा अगर मैं बेडरूम में हूँ, अदरवाइज स्टूडियो तो है ही आपके भाई का। और ये फाइनल लुक आप देख लो अम्मा और बाबा के बेडरूम की, मुझे तो बहुत पसंद आई है, आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है कि कैसी लगी है। अच्छा जी यहाँ पर हो गया एक दंगा फसाद भाई, ये तो काम उल्टा हो गया, ये तो हम जो सोच के आए थे सारा कुछ धर्म भरम हो गया, सास और बहू की लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो गई। जज्बात बदल दूंगे, हाँ जी जज्बात बदल दी आपने, ऐसा है कि जी ये वाला जो बेड था ये मैंने किया था अम्मा के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसको ब्लैक और ये शाइनी कलर नहीं पसंद, मैंने इसके लिए किया था वो वाला बेड। ठीक है, अब इस लड़की का कहना है कि मुझे ये पसंद आ गया और अम्मा को भी ये पसंद है, अब क्या करना फिर, मेरा ख्याल है टॉस वगैरह कर लो, फिर कोई टॉस कर लो या फिर दंगल कर लो, जो जीत गया उसका भी बैठ दे देंगे। दंगल तो हम कर सकते पर इस पे तो जो मेरी बच्ची कहेगी ना खुदा की कसम वही होने। अच्छा आपको वो पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मुझे दोनों बहुत पसंद है। ठीक है पक्की बात है, ये रख देंगे उस रूम में, वो लो जी इन्होंने तो पहले ही वेपन डाउन कर दिए, मैंने तो कहा लड़ाई लड़ी देखने को मिलेगी सास बहू की, लेकिन नहीं। अब फाइनल ये होगा कि जी ईमान को ये पसंद है, हमारे बेडरूम में ये आएगा, ठीक है किंग साइज में, और वो जो है वो अम्मा को बना के देंगे भाई क्वीन साइज में भाई। ठीक है ऐसे ही, ठीक है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि पाए इसके जो मैंने बताया था वो चेंज होंगे, क्योंकि नीचे से सफाई नहीं होती, तो ये सारा एज इट इज हमारे बेडरूम का, और वो नीचे वाला जो आपको पहले दिखाया है
हमारे बेडरूम के लिए, वो अब अम्मा के बेडरूम का। भाई अब मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, वो घड़ी देनी जे के नहीं देनी? आपका सर, मेरी बड़ी नियत है। किस किस की नियत है आपको? एक एक आपने मेरी बहन के घर भेजनी है, कमल के घर, ठीक है, और एक मुझे चाहिए। ऑर्डर करते हैं अल्पे, अल्पे मैं उसका कोई गिफ्ट नहीं मांग रहा, मैं अल्पे इसको मैनेज करते हैं कुछ। ये बहुत प्यारी है भाई, चेक कर रहे हो इस पे लड़ाई, किस कदर खूबसूरत है ना। मैंने अपने रूम में लेनी है, मैं लानी, मैं ना लड़ लेनी, उन्होंने तो मंगी नहीं, मैं मंगी है। आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह जी, फाइनल हो गया है, ये अम्मा का ठीक है और वो ब्लैक वाला हमारा। यार मैंने घर से निकलने से पहले हनान भाई से कहा था कि मैंने आपकी भाभी को और अम्मा को लेके जाना है खाना खाने, और मुझे हनान भाई ने उस टाइम पे कहा भी था जी जी आप आ जाए, आज सिर्फ चाय पी लीजिएगा। भाई आपने फिर ये ब्लफ किया ना मेरे साथ? नहीं, पहली दफा आंटी, पहली दफा आई थी भाभी, पहली दफा आई थी, ऐसे कैसे? हाँ माँ जी भी कह सकते हैं, आंटी नहीं कहना, कल मैं मार पाई आंटी कहते। हाँ जी आंटी, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये भाई ने खाने का इस्तेमाल किया होगा तो फिर अब आ गया है, तो फिर खाए बगैर तो बैठा जाएंगे, खा के जाते हैं। हाँ जी, ट्यूशन नहीं गए ना, बहुत खुश हो है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये हनान भाई ने मेरे साथ ट्रैप किया, मुझे चाय का कह के, चाय अभी तक नहीं आई, बाकी सारे जहान के लवाजमा जो है ना वो भाई ने यहाँ पर लगा दिए, अब ये चावल आपका भाई जो है ना बेट रहा है। A few moments later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने चाय का कहा था और चाय सबसे एंड पे, पूरे जहान के लवाजमा तो आपने खिला दिए। मैंने अपनी बेगम को आज बाहर से लंच करवाना था। आंटी और भाभी पहली दफा आई थी तो उस तरह जाने से मेरे से नहीं यार, मुझे सबसे ज्यादा चीज ही ये पसंद आती है भाई। अब ये डन है, ये मेरे बेडरूम का किंग साइज और वो दूसरा अम्मा के साइज का क्वीन साइज, ठीक है, और पेमेंट आप मुझे रहने दे ना, बताएं कोई बात नहीं। नहीं आप मुझे बताएं, मैं आपको एडवांस करके जाऊं ताकि आप मुझे 45 डेज से पहले पहले सामान डिलीवर कर दें। मैंने बता दिया ना, आपकी कम्युनिटी ने मुझे आगे पकड़ लेना। नहीं नहीं, अच्छा मुझे नहीं भाई, मुझे आइडिया है, मैं 3 से 4-5 घर शिफ्ट कर चुका हूं और मेरी आदत है, मैं जब किराए के घर में भी गया था ना, मैंने तब भी वहां पर हर चीज चेंज की थी, मुझे आदत है अच्छी जगह पे रहने की, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आप एक्सपेंसिव हैं, मार्केट में सारे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कहते हैं, क्यों एक्सपेंसिव है मुझे पता है, आप ऑडियंस को बताएं। एक्सपेंसिव जैसे भाई इसलिए कि जो हमारी क्वालिटी है ना वो टोटल डिफरेंट है, लोकल मटेरियल को हम यूज नहीं कर रहे। अब ये जो आप सारा गोल्ड वगैरह देख रहे हैं, इसके ऊपर जितना काम है सारा इंपोर्टेड है जी, तो एक काम है हमारा सारा, इसमें आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी अपना। मुझे तो इस चीज का पता है कि आपने सारी जो आपकी वुड है या फिर जो काम जितना है ये आपका सारा जो है वो टर्किश इंपोर्ट है, टर्किश इंपोर्ट है सारा, इंपोर्ट की कॉस्ट और सारी चीजें। हाँ जी, फिर भी हम कॉस्ट अभी कम ले रहे हैं, जो प्राइस होनी चाहिए वो नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है। अब अगर रजा फैमिली अगर कोई आ जाएगी तो फिर आपको फोन आ जाएगी, रजा फैमिली से आए हैं जो कि मुझे बता आएंगे, बस इंशाल्लाह अभी करेंगे, इंशाल्लाह प्यारा डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, मिरेकल्स के नाम से ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम को जो इनका लिंक है वो आज भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और हमारा फाइनल जो हुआ है मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऑर्डर आप अपना करना चाहें भाई, पहले बता रहा हूँ दे आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है लेकिन उनकी चीज की गारंटी है, वो गारंटी देते हैं आपको पूरी पूरी कि जी वो पुरन छोड़ने वाला सीन नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपके पाए पुर गए हैं या आपका जो बेड है वो एक साइड से डिंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाके कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया है जी अम्मा के लिए और वो ब्लैक मेरे लिए। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर द फूड, बहुत मजा आया। आप बस टाइम पे डिलीवर कर दीजिएगा आपकी मेहरबानी, ठीक है, और मेरी बात सुन लें कि मेरी रजय फैमिली पहुंचेगी आप तक, डिस्काउंट होना चाहिए उनको, ठीक है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, चलेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, चलो जी। क्या हुआ भाई? सोफा एलसीडी पे दिखा दें इनको, एलसीडी पे दिखा दें और सेंटर टेबल भी दिखा दें, क्योंकि वो पड़ा तो हुआ नहीं, बनना ही है, ऑर्डर भी बनना, आ जाओ देख लो, एक ही चीज देख भी निकलते। चलो चलो देख लो, ये आंटी टेबल है, ये अलग अलग पड़ी हुई, ये स्टाइल ऐसा है, लीफ स्टाइल है और ये अलग अलग है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मैंने देखी थी उस दिन लेकिन आज सेल हो गई है, पर ना मैं आपको फिजिकली भी दिखा देता हूँ, ये देखें ये, ओके। और मैंने उनको मूव करने की कोशिश की थी उस दिन, मेरे से मूव नहीं हुई, वो इतनी हैवी थी, ठीक है। ये आपकी सेंटर टेबल आ गई भाई, इनको वो दिखाते हैं, एल शेप सोफा भी दिखाते हैं। ये आपका सोफा जी एल शेप, ठीक है, ये मेरा ख्याल आप टर्की में बैठे हुए हैं, टर्की में है ना, ये हमारा जी सोफा है, ठीक है, ब्लैक और गोल्डन। अच्छा इसके सेंटर में बड़े हैं ना 3 सेंटर टेबल, लेकिन मैंने 2 करवाए हैं और लीफ शेप में करवाए हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट। कलर चेंज करवाना है इसका या ब्लैक गोल्डन? ठीक है, मुझे ब्लैक गोल्डन बहुत पसंद है, ओके भाई डन है, ठीक है भाई डन, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बिस्मिल्लाह।
ओके जी, फर्नीचर वगैरह सेलेक्ट हो गया, अम्मा को भी दिखा दिया, ईमान को भी दिखा दिया, अब आपकी भाभी को ड्रॉप करेंगे पहले, फिर जाएंगे घर। आप लोग सेटिस्फाइड हो भाई? जिद पूरी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। चलो शुक्र, जाना मुझे पता था तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरा दिमाग ना खराब करो पूरी बात। अगर आपको इतना यकीन होता मेरी चॉइस पे तो आप कभी भी ना आते चेक करने के लिए। पूरी बात सुनो, मैं ये चाह रही थी कि मेरी बेटी जाए अपना पसंद का अपना फर्नीचर ले। कल कल आपका बयान कुछ और था, अब आपका बयान और हो गया। कसम से मेरा पहले भी यही था कि मेरी बेटी आए अपनी पसंद का अपना रूम। चलो खैर हो गया ना। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अब तू ना शुक्र कर कि तेरे पैसे बच गए। मां बेटी ने बाहर से खाना खाना था। खाना भी खाना था? मैंने खुदा की कसम सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगा। मैं अभी ये व्लॉग के बाद आपको हनान भाई की और अपनी चैट दिखा देता हूँ। मुझे वो इंसिस्ट कर रहा था आपने खाना खा के जाना। मैंने उनसे कहा नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगा, खाना मैंने आपकी भाभी को बाहर से खिलाना। उन्होंने हर चीज ही वो भाभी ने फिर हनान भाई ने आगे पेश कर दी। क्या करते फिर, मेरे पैसे बचाने से अल्लाह ने बस बचा लिए। नहीं नहीं, उसकी किस्मत यानी सवाब था। अल्लाह पाक उसकी मर्जी करके डाले। सलाम दी उसको, बड़े खलूस से उसने हमें खाना खिलाया, बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू। चलो जी, अच्छा जी, आपकी भाभी की तरफ पहुंच चुके हैं और हवा बहुत प्यारी और ठंडी चल रही है। मैं ना तेरी अम्मा को बताता हूँ, तेरी अम्मा को मैं बताता हूँ जितना तूने तंग किया ना, मैं सारा भी तेरी अम्मा को बताता हूँ। अम्मा डांटेगी, मैं दसना वा। एक चीज को तीन तीन बार पसंद करती है और तीन तीन बार ना पसंद करती है, फिर सिलेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इतनी क्विक सर्विस, दस्ती कटवा आए हो, प्यारे लग रहे हो ना आप। पढ़ो, हर चीज करो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो। क्या कौन रहा? क्या हाल है? ये ठीक है? बैठो जी बैठो। क्या निकले? मैंने बस आपको मिलना था। अच्छा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और वो सरप्राइज है। कल क्यों मुलाकात होगी आपको पता नहीं, याद है या नहीं है? याद अम्मा मेरी नु याद बता ना देना, छोटी बेटी है ये, उनकी हमसाई है, जैसे हमारे घर पे मिनसा रहती है ये, ठीक है, और वैसे ही ये इनकी हमसाई है, लेकिन इनके घर पे आना जाना इसका बहुत ज्यादा बहुत प्यार है इनका। ये लो, शर्मो आ गई, शर्मो आ गई। अच्छा माँ जी, अल्लाह हाफिज, कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह भाई, अल्लाह हाफिज। तू भी जिंदगी ना जा रहा? हाँ मैं आज कल नहीं, मैं सदियों से नहीं जा रहा, इस आंवले में जाता हूँ बस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हट जो हट जो हट जो, बिस्मिल्लाह। चल भाई, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। ओके जी, तो आज के दिन के सारे काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए। अच्छा, मैं ना एक तरह से अब काफी सेटिस्फाइड हूँ। पहले जब मैं ऑर्डर कर रहा था, मैं एडवांस करने वाला था ना, तो मैं हल्का सा बीच में ना कंफ्यूज था कि यार कल को इनको पसंद ना आया तो, हेलो, इनको पसंद ना आया अम्मा को या ईमान को तो क्या होगा। हालांकि मैंने इनको पिक्चर वीडियोस दिखाई थी, लेकिन अब इन्होंने खुद अपनी नजर से देख लिया है, इन्होंने अदला बदली कर ली है। हेलो देख लो यार, पहले हेलो देख लो, हेलो जान, हेलो। अब इन्होंने अदला बदली कर ली है, अम्मा ने वो ले लिया, ईमान ने अम्मा वाला ले लिया। खैर हो गया ना, अब मैं टेंशन फ्री हूँ कि मैंने सिर्फ अब पैसे देने हैं, इनको पसंद आए या ना आए, हम बड़ी जुम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र अल्लाह का, ये जो है ना ये एक वादा हो गया आज इनको जाके फर्नीचर दिखाने का। और रही बात कल के सरप्राइज की, तो वो आप लोगों में से काफी लोगों को पता लग चुका होगा और काफी लोगों को पता नहीं लगा होगा। मैं बता देता हूँ, नहीं सरप्राइज नहीं बताऊंगा, गजल की तरफ भी जाना है और आपकी भाभी ईमान की तरफ भी जाना है। इन दोनों को कुछ ना कुछ दे के आना है, सरप्राइज है, वो आपको कल ही बताएंगे। फिलहाल के लिए व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। आज हमारा फर्नीचर वाला काम खत्म हो गया, बस कर दे। हेलो एनए, हेलो प्रो मैक्स हो गए तेरे। आज हमारा फर्नीचर वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, हम उनको एडवांस वगैरह दिए हैं। अब जैसे ही लेबर हमारे घर से निकलेगी, फर्नीचर आना स्टार्ट हो जाएगा। व्लॉग करते हैं फिलहाल यहाँ पर एंड। मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से निकला हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। किसके बेडरूम का आपको फर्नीचर ज्यादा पसंद आया, सही से बताना है, मेरा या अम्मा का? ब्लैक वाला ज्यादा पसंद आया, सही है ना? ओ यार अच्छा जान, तेरा हेलो ही फंस गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, सरप्राइज के व्लॉग के साथ। बाय बाय।